हेलो स्टूडेंट्स, जेईई एडवांस 2023 में एक सिंगल चैप्टर प्रोबेबिलिटी से दिए हुए 4 क्वेश्चंस एंड प्रोबेबिलिटी को लेके ज़्यादातर बच्चों में थोड़ा सा फियर तो रहता है। अभी मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपका वो डर थोड़ा सा कम हो जाए। तो पर्टिकुलरली 2023 के ही वो 4 क्वेश्चंस अभी हम डिस्कस करने वाले हैं एंड यू विल फाइंड देम सो वेरी सिंपल। दे आर ओनली बेस्ट ऑन सिंपल कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, अभी हम ये 4 क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं लेकिन 2007 से 2022 तक के सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट सेशन इटसेल्फ। ठीक है, सो लेट्स जस्ट गो अहेड। बच्चा, ये मैंने जेईई एडवांस का ही पेपर आज इट इज ओपन किया है। कंसिडर एन एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग ए कॉइन रिपीटेडली अंटिल द आउटकम्स ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव टॉसेस आर सेम। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रैंडम टॉस रिजल्टिंग इन हेड इज 1/3। मतलब ये केस एक बायस्ड केस है, अनफेयर सिचुएशन है। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, हेड के लिए हम 1/2, टेल के लिए हम 1/2 लेते हैं। देन द प्रोबेबिलिटी दैट द एक्सपेरिमेंट स्टॉप्स विथ हेड इज, और हमें क्वेश्चन ने कहा है कि दो कंजिक्यूटिव आउटकम अगर सेम हो जाता है देन द एक्सपेरिमेंट स्टॉप्स। ठीक है, तो अगर वो एक्सपेरिमेंट हेड पे स्टॉप हो रहा है तो बहुत क्लियर है जो एंड के दो आउटकम है वो दो हेड ही होंगे। हो सकता है वो फर्स्ट दो टॉस में ही स्टॉप हो जाए अगर दोनों में ही हेड आ जाए, हो सकता है 3 में स्टॉप हो सकता है 4 में स्टॉप हो, और हो सकता है इट मे इवन कंटिन्यू फॉर डेज और नाइट एंड इट कुड बिकम एन इनफाइनाइट प्रोसेस। राइट, सो वी आर समिंग अप ऑल द केसेस टू फाइंड द टोटल प्रोबेबिलिटी। नाउ लुक एट, अगर वो एक्सपेरिमेंट दो टॉस में कंप्लीट हो रहा है दैट मीन्स दोनों हेड ही आए होंगे, और इट मे सो हैपन दैट 3 टॉस में वो कंप्लीट हो रहा है, एंड के दो तो फिक्स्ड है, हेड ही आना है, और ये दोनों सेम नहीं होना चाहिए अदरवाइज यहीं पे वो स्टॉप हो जाता तो ये टेल आएगा। तो ये जो लास्ट वाले दो आउटकम है उनके अलावा बाकी सारे ऑल्टरनेट होंगे, ये बात तो हमें क्लियर है। राइट, और अगर ये 4 टॉसेस तक जा रहा है तो हेड हेड, इससे पहले टेल एंड उससे पहले हेड, ऑल्टरनेट ही आना है ना। तो इस तरह से आप कुछ केसेस लिख ले ताकि आपको टर्म्स क्लियर हो जाए कि ये जो पैटर्न बनेगा ना, क्योंकि एक इनफाइनाइट सीरीज होगा और इनफाइनाइट सीरीज की बात हो रही है तो या तो जीपी होगा या एजीपी होगा। राइट, उसको हम लिख के ही चेक कर पाएंगे, उसके लिए ये टेल हेड टेल ये होना चाहिए एंड द पैटर्न कॉन्टिन्यूज। ठीक है बच्चा, इसकी प्रोबेबिलिटी देखते हैं। दो हेड, एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, दिस इज 1/3 का स्क्वायर। राइट, एंड यहाँ पे टेल दैट मीन्स 2/3 एंड 1/3 का स्क्वायर, इसे तो हम कंबाइन ही कर देते हैं ना क्योंकि स्टॉप इसी पे होना है। हियर हेड टेल हेड दैट मीन्स 1/3, 2/3 एंड 1/3 का स्क्वायर। परफेक्ट, एक और टर्म देख लेते हैं, दैट इज 2/3, 1/3, 2/3 एंड 1/3 का स्क्वायर। लाइक दिस द पैटर्न कॉन्टिन्यूज। अब आप देखो क्या ये एक जीपी बना रहा है, इन दोनों का रेशियो क्या है बेटा 1/3। राइट, और इन दोनों का रेशियो क्या है 2/3, क्योंकि यही टर्म एक्स्ट्रा अटैच हो रहा है ना। तो इसके आगे अगर हम जाएंगे तो रेशियो 1/3 आएगा, फिर 2/3 आएगा, ऑल्टरनेट आ रहा है। तो क्लियर हो रहा है ना एक बात कि अगर हम ऑल्टरनेट टर्म्स को ले लेते हैं तो एक जीपी बनेगा। यहाँ देखें 1/3 का स्क्वायर है बच्चे, ये 2/9 एक्स्ट्रा आया है, कॉमन रेशियो 2/9। इसके बियॉन्ड एक टर्म छोड़ के भी आप टर्म देख लें, यहाँ 1/3 एक्स्ट्रा आ जाएगा, दैट मीन्स 1/3 इंटू 2/3, 1/3 इंटू 2/3 इज दैट 2/9 का स्क्वायर इंटू 1/3 का स्क्वायर। यस, तो अगर हम इन टर्म्स का ग्रुप बना लेते हैं तो वो एक जीपी बनाएगा, एंड उसी तरह से इन टर्म्स को भी आप देख लें, विल दे फॉर्म ए जीपी। यस, दैट मीन्स ये क्वेश्चन दो इनफाइनाइट जीपी के समेशन से आंसर होगा। इस तरह के क्वेश्चन कई बार पहले भी आ चुके हैं लेकिन वो सारे या तो एक जीपी या एक एजीपी के ऊपर बेस्ट है, लेकिन यहाँ पे दो जीपी का फॉर्मेशन हो रहा है। अब आंसर कर देते हैं बच्चे, इस इनफाइनाइट जीपी के लिए समेशन आएगा ए बाई 1-r। ए है 1/9 अपॉन 1-r, क्या है 2/9। राइट, सो 2/9 से ये बन जाता है 7/9, बच्चा ये आया 1/7। सेकेंड जीपी पे आ जाए तो फर्स्ट टर्म क्या है 2/27 अपॉन 1-r। r क्या है, वंस अगेन 2/9 ही है। राइट, क्योंकि दो ही टर्म तो एक्स्ट्रा आ रहे हैं और वो अल्टरनेटली आ रहे हैं, तो 2/3 इंटू 1/3 आएगा या 1/3 इंटू 2/3 आएगा, सो 2/9 तो आना ही है। सो इस 2/9 विल राइट इट एज 7/9। 9 हो गया कैंसिल, 2/21। बच्चे इसे और इसे ऐड कर देते हैं, इसे हम लिख लेते हैं आज 3/21। 3/21 एडेड विद दिस, दिस इज 5/21। चेक कर ले आंसर, हियर इट इज। बताएं किसी भी तरह से लेंथी है या डिफिकल्ट है, और कोई एक्स्ट्रा ट्रिक भी यहाँ इन्वॉल्व है? बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें बच्चा, इट सेज लेट एक्स बी द सेट ऑफ ऑल 5 डिजिट नंबर्स फॉर्म्ड बाय दिस सेट ऑफ डिजिट्स।
फॉर एग्जाम्पल दिस इज एन एक्स, ये तो अंडरस्टूड है, हम सबको पता है बच्चे 5-डिजिट नंबर क्या होता है और इन्हीं सेट ऑफ डिजिट्स को यूज करके हमें बनाना है, मतलब जो जो डिजिट अवेलेबल है उन्हीं को यूज करना है, जितने नंबर में अवेलेबल है उसके बियॉन्ड हम यूज नहीं कर सकते, एंड यूनिट प्लेस पे जीरो आ नहीं सकता, ये सब हमें ऑलरेडी पता है. सपोज दैट ईच एलिमेंट ऑफ एक्स हैज एन इक्वल चांस ऑफ बींग चूजन, लेट पी विद अ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी that an element chosen at random is a multiple of 20, given that it is a multiple of 5, then 38p is what? Conditional probability की बात हो रही है, ध्यान देना. अगर मैं multiple of 5 वाले number के selection को A event नाम दूं and 20 के selection को B event कहूं, तो आपसे पूछा गया है probability of B given that A has already occurred. बच्चा क्या ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन एन ऑफ ए है? यस. एंड बी इंटरसेक्शन ए, ये भी आप बता दें, नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 20 एंड नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 5, दैट मीन्स 20 से डिविजिबल नंबर्स एंड 5 से डिविजिबल नंबर का इंटरसेक्शन क्या है? इंटरसेक्शन क्या आएगा बच्चे? ऑफ कोर्स नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 20, क्योंकि 5 के डिविजिबल के लिस्ट में 5, 10, 15, 20, I'm not talking about using these digits, just I'm trying to explain you, वो होते हैं, लेकिन 20 के डिविजिबल में 20, 40, like that. तो दोनों के इंटरसेक्शन से क्या बनेगा? 20, 40 and so on, right? तो दोनों के इंटरसेक्शन से हमें क्या मिला? नंबर विच आर डिविजिबल बाई 20. सो विल राइट दो स्ट्रेट अवे एज एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ ए, राइट. अब बस हमें इतना सा फाइंड करना है कि इन डिजिट्स को यूज करके जब हम 5-डिजिट नंबर फ्रेम करें तो कितने ऐसे नंबर होंगे जो 5 से डिविजिबल होंगे. उसके बाद विल डिस्कस हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर व्हिच आर डिविजिबल बाय 20, ठीक है. तो 5 से डिविजिबल नंबर्स पे पहले आ जाते हैं. इन डिजिट्स को यूज करना है. कोई नंबर जो 5 से डिविजिबल होता है उसके यूनिट प्लेस पे या तो 0 आता है या 5 आता है, राइट. 5 हमारे पास है ही नहीं, तो हमारे पास एक ही केस रह गया, यूनिट प्लेस तो भाई फिक्स्ड हो गया 0 से, और 0 हमारे पास एक ही बार है और 0 का यूज आ नहीं सकता, राइट. नाउ वी नीड टू डिस्कस अबाउट दिस 4 स्लॉट्स. हम इन 4 स्लॉट्स को इन डिजिट्स के हेल्प से कितने तरह से फिल कर सकते हैं. तो इन सिचुएशन में बच्चे केसेस ही बनाना पड़ेगा. केस 1, हो सकता है हमने इन 4 स्लॉट्स में जो डिजिट्स यूज किए चारों के चारों डिस्टिंक्ट हो, लेकिन वो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि हमारे पास जो डिजिट्स अवेलेबल है ना, 1 एक बार है, 2 3 टाइम्स है एंड 4 2 टाइम्स है. तो हमारे पास 4 डिस्टिंक्ट डिजिट्स की अवेलेबिलिटी ही नहीं है, तो वो केस तो क्रिएट होगा नहीं. नेक्स्ट आ जाते हैं, हो सकता है हम चारों के चारों आइडेंटिकल लेटर लें, वो भी पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि 2 के पास 3 आइडेंटिकल डिजिट्स है, इसके पास 2 ही है, चारों आइडेंटिकल बने ये पॉसिबिलिटी नहीं है. अब आ जाते हैं, क्या हम 3 आइडेंटिकल एंड 1 डिस्टिंक्ट का केस ले सकते हैं? यस, दैट इज पॉसिबल. कितने तरह से ये पॉसिबल बनेगा? 3 आइडेंटिकल तो हम सिर्फ 2 को ही ले सकते हैं. सो वन वे ऑफ डिसाइडिंग हु इज 3 डिजिट्स आर आइडेंटिकल, तो अगर आपने 2 को यूज कर लिया, अब आपके पास 2 डिजिट बचे हैं, कोई भी एक डिजिट और आप ले लें 2C1 वे में. तो ये पॉसिबिलिटी ऑफ सिलेक्शन कितने तरह से हो सकता है? 1 into 2, दैट इज 2 वेज. अब आपने वो डिजिट सिलेक्ट किया ना, 4 डिजिट जिसमें से 3 आइडेंटिकल है और एक डिफरेंट है, उनको अब आपको इन 4 स्लॉट में अरेंज करना है. तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स विल बी, दैट इज 4 वेज. तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चे 8 सच नंबर्स, क्लियर. अब आ जाएं केस 2 में, दैट इज हो सकता है हम 2 आइडेंटिकल डिजिट्स यूज करें एंड 2 और डिजिट्स भी यूज करें जो आइडेंटिकली हो, ये दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में डिस्टिंक्ट है, राइट. तो अब आप देख लो जो डिजिट्स आपके पास अवेलेबल है उसमें 2 आइडेंटिकल डिजिट की पॉसिबिलिटी किन किन के पास है? सिर्फ इन 2 के पास है, तो इसका मतलब हमें 2 2s यूज करना होगा, 2 4 यूज करना होगा, और कोई पॉसिबिलिटी तो है नहीं. सो वन वे ऑफ डिसाइडिंग व्हिच डिजिट्स दैट वी आर गोइंग टू यूज, ठीक है. अब उन्हें हम अरेंज करेंगे, तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल एंड दैट कम्स आउट टू बी 6, राइट. 6 पॉसिबल नंबर्स आर देयर. अब आ जाते हैं नेक्स्ट केस में, केस 3, और इस तरह के क्वेश्चंस तो कई बार आए हैं, इन्हें हम थोड़ा सा डिफरेंटली भी कर सकते हैं, दैट इज यूजिंग मल्टीनोमियल अप्रोच, लेकिन उससे भी इतना ही टाइम लगता है, तो बेटर है आप केसेस में बनाते हुए कर लें, चीजें विजुलाइज भी होता है इजीली और करने में टाइम भी नहीं लगता. 2 आइडेंटिकल एंड 2 डिस्टिंक्ट. बच्चा अब बताएं, 2 आइडेंटिकल मतलब हम 2 2s ले सकते हैं या 2 4s ले सकते हैं, मतलब ये डिसीजन हम ले सकते हैं 2 वेज में. लेट सपोज मैंने 2 2s ले लिया, अब मेरे पास 2 डिस्टिंक्ट डिजिट बचे हुए हैं और मुझे दोनों को लेना है एक एक बार, सो 1 वे. अब उन्हें हमें अरेंज भी करना है, 4 डिजिट है हमारे पास उसमें से 2 आइडेंटिकल है, अरेंजमेंट कितने तरह से होगा? 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, दैट इज 12, राइट. बच्चा ये क्या बनाया? 24, परफेक्ट. अब देखते हैं क्या कोई और केस की पॉसिबिलिटी है. केस 4, बताएं
क्योंकि मैंने थ्री आइडेंटिकल वाला ले लिया, फोर आइडेंटिकल की पॉसिबिलिटी नहीं थी, दो आइडेंटिकल के दोनों केसेस ले लिया, अब एक आइडेंटिकल का तो कोई सेंस ही नहीं बनता, जीरो आइडेंटिकल मतलब ऑल फोर आर डिस्टिंक्ट, वो भी पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब हमने सभी केसेस को कवर कर लिया, तो टोटल पॉसिबल नंबर्स आ 24 + 6 = 30 + 8 = 38, सो 38 टोटल नंबर ऑफ फाइव डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय फाइव आर पॉसिबल अंडर द सिचुएशन. ठीक है, अब आ जाते हैं कितने ऐसे नंबर से जो 20 से डिविजिबल है, एन ऑफ बी. उसके लिए आप देखें कोई नंबर जो 20 से डिविजिबल है बच्चे, क्या उसके यूनिट प्लेस पे जीरो आना फिक्स्ड है, राइट, एंड एट द सेम टाइम. यूनिट प्लेस पे जीरो आने का मतलब ये है कि वो 10 से डिविजिबल है, लेकिन हमें 20 से डिविजिबल चाहिए, इसका मतलब इस जगह पे एक इवन डिजिट आना चाहिए, राइट. हमारे पास इवन डिजिट कौन कौन से हैं, टू है एंड फोर है, दो है, तो या तो आप इसे दो केसेस की तरह हैंडल करें, या तो आप टोटल इस तरह के नंबर में से, इस तरह के नंबर मतलब जिसके यूनिट प्लेस पे जीरो आ रहा है, जिसके यूनिट प्लेस पे जीरो आ रहा है, वो हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके 38 पॉसिबिलिटीज है, उसमें या तो इस जगह पे इवन आएगा या इस जगह पे ऑड आएगा. इवन लेंगे तो दो केसेस है, ऑड लेंगे तो एक ही केस बनेगा, तो हम यहाँ पे ऑड लेंगे और 38 में से उसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें यहाँ पे इवन वाले नंबर्स मिल जाएंगे ना. तो जब हमारे पास ये पॉसिबिलिटी है तो व्हाई वेस्ट टाइम. बच्चे देखो, जब भी हम कोई पार्शियल सिलेक्शन कर रहे होते हैं उस केस में हमारे पास ऑलवेज टू वेज ऑफ काउंटिंग रहता है. जैसे कि ले सपोज मेरे सामने 20 स्टूडेंट्स आ देयर एंड आई वांट टू सिलेक्ट एनी 10, तो मेरे पास ये चॉइस है, आइदर आई पिक 10 स्टूडेंट्स और आई रिजेक्ट स्टूडेंट्स. जो भी काउंटिंग ईजी लगेगा ना, विल ऑलवेज प्रीफर डूइंग बाय दैट. ठीक, तो आप हमेशा इस तरह से सोच के देखें, क्या मैं इसे एक्सेप्टेंस से काउंट करूं या रिजेक्शन से काउंट करूं. जहां पे भी हमें कम अमाउंट ऑफ एफर्ट लगेगा, डेफिनेटली विल प्रीफर डूइंग इट बाय दैट. ठीक है, अब देखें यहां पे मैंने रख दिया 1, क्योंकि ऑड डिजिट तो मेरे पास एक ही है पॉसिबिलिटी, यहां पे 1 रख दिया. अब हमारे पास जो डिजिट रिमेनिंग है वो है 2 3 times and 4 2 times, और मुझे इन तीन स्लॉट्स को फिल करना है. अब बता दे पॉसिबिलिटीज क्या आएंगी, ऑल थ्री डिस्टिंक्ट की पॉसिबिलिटीज तो नहीं बनेंगी क्योंकि मेरे पास थ्री डिस्टिंक्ट डिजिट है ही नहीं. नाउ नेक्स्ट केस इज ऑल थ्री आइडेंटिकल, जिसकी पॉसिबिलिटी है, राइट, ऑल थ्री आइडेंटिकल मतलब तीनों जगह पे 2 ही आना चाहिए, वन वे ऑफ डूइंग इट, और 2 आइडेंटिकल एंड 1 डिस्टिंक्ट, राइट, 1 डिस्टिंक्ट. तो 2 आइडेंटिकल वो 2 2s भी हो सकता है या 2 4s भी हो सकते हैं, मतलब 2 केसेस हो गए, 2 बार 2 ले लिया एक 4 ले लिया, या 2 बार 4 ले लिया एक 2 ले लिया, राइट, 2 केसेस. एंड उनका अरेंजमेंट कितने तरह से होगा, 3 factorial upon 2 factorial, विच इज 3. बच्चा इसके अलावा क्या और कोई केस पॉसिबल है, 1 identical 2 distinct, 1 identical does not make any sense, identical मतलब comparison के साथ होता है ना, same, right, so that is not possible. Next is all 3 distinct, वो हमने already देख लिया not possible, तो और कोई case की यहाँ possibility नहीं है. तो 7 वो numbers है जो हमारे लिए acceptable नहीं है out of 38, so what is the answer, 31 upon 38, clear, और हमसे question है पूछा है 38 p, so our answer is 31. बच्चा सिर्फ एक बार ना fearless होके question को try करके देखना, एक अनबायस थॉट डाल के देखना, ये सब बातें दिमाग से निकाल दें जो लोग कहते हैं ना कि मैथ्स डिफिकल्ट होता है जेई मेन एंड जेई एडवांस में, बिल्कुल भी नहीं होता. एक्चुअली यू आर बीइंग अफेक्टेड साइकोलॉजिकली बाय एक्सेप्टिंग सच थिंग्स रिपीटेडली, तो इस तरह के बातों पे बिल्कुल भी अटेंशन नहीं दें. आप कूल माइंड के साथ, एकदम कामनेस के साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करें. आई एम टेलिंग यू बच्चे, डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है कोई भी क्वेश्चन. ठीक है, नेक्स्ट. Consider 6 × 6 square in the figure. Let A1, A2, A49 be points of intersection, dots in the picture in some order. We say that AI and AJ are friends if they are adjacent along a row or along a column. Assume that each point AI has an equal chance of being chosen. अब फिर ये कह रहा है कि AI and AJ को हम friends की तरह तब treat करेंगे when they are located एक row में 2 adjacent points होने चाहिए या एक column में 2 adjacent points होने चाहिए, तब हम उन्हें friends मानेंगे. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. लेट पी आई विद द प्रोबेबिलिटी दैट ए रैंडमली चूजन पॉइंट हैज आई मेनी फ्रेंड्स, आई वैल्यूज आर 0, 1, 2, 3, 4. लेट एक्स बी अ रैंडम वेरिएबल सच दैट फॉर आई इक्वल टू दिस द प्रोबेबिलिटी ऑफ पी एक्स इक्वल टू आई इज पी आई, देन 7 times ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स. एक्सपेक्टेशन मीन्स मीन, राइट, और मीन कैसे निकाला जाता है, एक्स आई पी आई समेशन, करेक्ट. तो हमें ये कैलकुलेट करना है. नाउ लुक एट हाउ सिंपल, 7 times ऑफ वी वॉन्ट xi pi summation. बच्चे xi क्या है, नंबर ऑफ फ्रेंड्स दैट ए रैंडमली चूजन पॉइंट हैज. ठीक है, तो सबसे पहले हम इस सिचुएशन को एनालाइज करते हैं कि किस पॉइंट के कितने फ्रेंड्स हैं. देखो, जब भी आप इस तरह से बोर्ड पे कोई भी एनालिसिस करते हैं,
हम अपने रेगुलर क्लासेस में भी इस तरह के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, चेस बोर्ड पर डिस्कस करते हैं, बट इट इज द सेम प्रोसेस ओनली. आप देखें इसके पास कितने कॉर्नर पॉइंट्स है, कॉर्नर पॉइंट्स आर 4, राइट? एंड हर एक कॉर्नर पॉइंट के पास कितने फ्रेंड्स है बेटा, 1, 2, किसी भी कॉर्नर पॉइंट का आप देख ले, राइट? तो आप यहाँ पे क्विकली ऐसे मेंशन कर दें कॉर्नर पॉइंट्स, क्योंकि जब भी हम बोर्ड की बात करेंगे ना तो तीन तरह के पॉइंट्स आते हैं वहां पे. एक कॉर्नर पॉइंट, एक साइड में है लेकिन कॉर्नर नहीं है, मतलब ये वाले पॉइंट्स, और एक होता है सेंट्रल पॉइंट्स जो बीच में लाइक करते हैं, ठीक है? तो अगर ये 6x6 का बोर्ड है तो 4 कॉर्नर पॉइंट्स तो है, और हर साइड के पास 7 पॉइंट्स है, 2 उसमें से कॉर्नर पॉइंट्स है, तो यहाँ पे 5, 5, 5, 5, तो 20 पॉइंट्स हमारे पास रह जाते हैं, व्हिच आर साइड बट नॉट कॉर्नर, ठीक है? तो उन पॉइंट्स के पास कितने फ्रेंड्स होते हैं आप देख लें, 1, 2, 3, राइट? तो हमारे पास 4 कॉर्नर पॉइंट्स है, और उनके अगर हम फ्रेंड्स की बात करें तो 2 फ्रेंड्स है उनके पास, एंड देन साइड बट नॉट कॉर्नर, लिख लेना क्लियरली, साइड बट नॉट कॉर्नर, 20 सच पॉइंट्स आ दे, एंड हर एक के पास कितने फ्रेंड्स है, 3 फ्रेंड्स आ दिया. नेक्स्ट जो सेंट्रल पॉइंट्स है, सेंट्रल पॉइंट्स हमारे पास कितने हैं, आप इसे रिमूव कर दें, इसे रिमूव कर दें, इसे रिमूव कर दें, ये रह गया हमारे पास 4x4 का बोर्ड, दैट मीन्स 5 स्क्वायर पॉइंट्स आ गया, 25 पॉइंट्स आ गया. और हर पॉइंट के पास कितने फ्रेंड्स है ये भी देख लें. जैसे मैं ये पॉइंट लेती हूँ, इसका फ्रेंड ये भी है, ये भी है, ये भी है, और ये भी है, 4 फ्रेंड्स आ गया फॉर ईच. बस यही 3 कैटेगरी ऑफ पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं किसी भी बोर्ड में, राइट? अब क्वेश्चन कह रहा है कि रैंडम वेरिएबल हमने लिया है आज नंबर ऑफ फ्रेंड्स दैट आर रैंडमली चूजन पॉइंट हैज. तो नंबर ऑफ फ्रेंड्स की पॉसिबिलिटी हमने ऑलरेडी देख लिया 2, 3, 4 ही है, राइट? तो इन्होंने कहा अगर वो रैंडम वेरिएबल के वैल्यू 0, 1, 2, 3 और 4 है, देन व्हाट विल बी द मीन वैल्यू ऑफ इट, ठीक? तो बताएं xi, pi, इस तरह से हम एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं. xi का वैल्यू क्वेश्चन ने 0 से स्टार्ट किया है, लेकिन हमें पता है 0 नंबर ऑफ फ्रेंड्स की पॉसिबिलिटी तो होती ही नहीं, ठीक? दैट मीन्स इसकी प्रोबेबिलिटी है 0, नो सच पॉसिबिलिटी. 1 फ्रेंड वाला भी सिचुएशन नहीं है, 0. 2 फ्रेंड्स पे आ जाते हैं, ऐसे कितने पॉइंट्स हैं जिनके पास 2 फ्रेंड्स हैं, सो 4 सच पॉसिबिलिटी, राइट? प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगा, 4 आउट ऑफ टोटल पॉइंट्स 49. एंड 3 फ्रेंड्स वाले पॉइंट्स कितने हैं, साइड वाले कितने हैं बच्चे, 20 बाई 49, एंड 4 फ्रेंड्स वाले 25, करेक्ट? ओवर. हमें xi pi का समेशन चाहिए, ये क्या आ गया, 8 बाई 49, बच्चा दिस इज 60 बाई 49, एंड दिस इज 100 बाई 49. सम देम अप, वी गेट 168/49. न्यूमरेटर 7 से डिवाइड हो रहा है ना, सो दैट इज 24, और ये है वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेशन बेटा. और क्वेश्चन ने हमसे कहा है 7 टाइम्स ऑफ एक्सपेक्टेशन क्या आएगा, सो 7 टाइम्स ऑफ एक्सपेक्टेशन इज 24, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसी सेम पैराग्राफ के ऊपर ही बेस्ट है बेटा, बिल्कुल सिमिलर सिचुएशन, एक हो गया दूसरा फटाफट हो जाना है. 2 डिस्टिंक पॉइंट्स आर चूजन रैंडमली आउट ऑफ द पॉइंट्स दिस. अब हम 2 पॉइंट्स चूज कर रहे हैं, लेट पी बी द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर फ्रेंड्स. इसका मतलब बहुत क्लियर है, हमें 2 पॉइंट का सिलेक्शन करना है जो या तो एक रो में कॉन्जिक्यूटिव होना चाहिए या तो एक कॉलम में कॉन्जिक्यूटिव होना चाहिए. यही तो मैं 2 प्रोसेस से आपको बता रही हूँ ये क्वेश्चन. आप देखो अगर आप इसे एलिमेंटरी काउंटिंग से करते हैं, एलिमेंटरी काउंटिंग, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, हो सकता है दोनों फर्स्ट रो में हैं, राइट? तो बताएं फर्स्ट रो में हमारे पास 7 पॉइंट्स आ गया. अगर हम 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स का सिलेक्शन कर रहे हैं तो कितने तरह से कर सकते हैं, 1 से स्टार्ट करके 1 विथ 2, या 2 से स्टार्ट करके 2 विथ 3, एंड सो ऑन 6 और 7. सो 6 पॉसिबिलिटीज आ गया, एंड इस तरह से हमारे पास कितने रोज है बेटा, 7 रोज आ गया. तो हर रोज में अगर 6 पॉसिबिलिटीज है तो रो वाइज फ्रेंड्स का सिलेक्शन इतने तरह से हो सकता है. अब कॉलम वाइज भी करते हैं, हर कॉलम के पास हमारे पास 7 पॉइंट्स आ गए. अगर हम फ्रेंड्स पेयर चाहते हैं, मतलब दे हैव टू बी कॉन्जिक्यूटिव, एंड दैट इज पॉसिबल एग्जैक्टली इन द सेम वे, हम इसे 2 टाइम्स कर देते हैं, राइट? ये हो गया हमारे फेवरेबल केसेस. आउट ऑफ टोटल 49 पॉइंट्स आ दियो ना, यू आर सिलेक्टिंग एनी 2. तो आंसर कर लेते हैं 6 × 7 × 2 / 49 × 48 × 2, करेक्ट? सिंप्लीफाई कर लें, 6, 4, 24, 2 एंड 49, दिस इज 7, सो 1/14, और हमें 7 पी चाहिए, दैट इज 1/2.5 इट इज. किसी तरह से डिफिकल्ट है? बिल्कुल नहीं. अगर आप इसे थोड़ा सा लॉजिकल प्रोसेस से करना चाहते हैं तो कॉर्नर पॉइंट्स मेरे पास 4 है, सिलेक्ट 1. अब हर कॉर्नर पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग आई हैव 2 फ्रेंड्स एग्जिस्टिंग फॉर दैट पॉइंट, सो सिलेक्ट एनी 1, राइट?
अब हो सकता है मैं साइड बट नॉट कॉर्नर को ले रही हूँ, आप 20 सच पॉसिबिलिटी, आई एम सिलेक्टिंग एनी वन एंड कॉरेस्पॉन्डिंग टू दैट पॉइंट आई हैव थ्री ऑफ हिज फ्रेंड्स, सो उनमें से किसी एक को ले लिया, या तो मैं सेंट्रल पॉइंट्स में से लूंगी, चार फ्रेंड में से किसी एक को ले लिया, राइट. यहाँ पे बस इतना सा आपको अटेंशन देना है क्योंकि आप सिलेक्शन ऑफ टू करना चाह रहे थे, राइट. लेकिन आप सिलेक्शन ब्रेक करके कर रहे हो, पहले आप एक को कर रहे हो फिर आप दूसरे को कर ले हो. इसका मतलब इट मे सो हैपन दैट पहले आपने इसे चूज किया फिर आपने इसके साथ इसे लिया, तो आपने इन दोनों को लिया है ओवरऑल. एंड यही सिलेक्शन दो बार हो रहा है, आप ध्यान देना. हो सकता है पहली बार में आपने इसे लिया फिर उसके फ्रेंड के लिस्ट में आपने इसे चूज किया, तो एक ही सिलेक्शन ना दो बार काउंट हो रहा है. तो यहाँ पे आप जरूर इसे डिवाइड कर दे बाई टू एंड देन 49C2 कैलकुलेट करके देख लें, यू विल गेट द सेम रिजल्ट. जो भी आपको सिंपल लगे ना करें, लेकिन ये क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, ठीक है बेटा. सो क्लोजिंग दिस डिस्कशन हियर.